नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो हम बात करने वाले हैं ओला स्कूटर की कुछ हिडन सेटिंग्स के बारे में जो केवल ओला के टेक्नीशियन ही एक्सेस कर पाते हैं। ये सेटिंग कहाँ मिलेगी ओला स्कूटर में? ओला स्कूटर में आप डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह मिलेगा, जिसके ऊपर आप दो तीन बार टैप करेंगे ना तो आपके सामने एक QR कोड ओपन होगा। इसको ओला के टेक्नीशियन अपने ऐप से सर्च करते हैं, इनको एक स्पेशल ऐप मिलता है। इसके बाद में ओला कंपनी के द्वारा एक OTP मिलता है इनको, जो कि यहाँ पासवर्ड के तौर पर इंटर करते हैं। और ये इंटर करते ही मोबाइल की तरह पूरी सेटिंग्स ओपन हो जाती है, जैसे कि एक टैबलेट में ओपन होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉटस्पॉट का आइकन आपको शो हो रहा है, हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हैं। कोने में वाईफाई का आइकन है, वाईफाई को भी आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अपने वाईफाई को यहाँ पर एक्सेस करके अपडेट कर सकते हैं अपने ओला स्कूटर को। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपने ओला स्कूटर का जो भी मतलब डिटेल है, टोटल डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद हम सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। आफ्टर देन आप यहां पर देख सकते हैं एक मोबाइल की तरह पूरी सेटिंग ओपन हो चुकी है। ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं डायग्नोस्टिक मोड अभी ऑन है। डायग्नोस्टिक मोड पर ही चलता है, इसमें लगभग जितने भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, हॉटस्पॉट, सिम कार्ड और आपका जो प्लान है वो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। आपका जियो का सिम है ये भी यहाँ पे मेंशन है। वाईफाई पे क्लिक करके आप वाईफाई के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एज ए मोबाइल। यहाँ पे वाईफाई को अपने मोबाइल की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई यहाँ पे सर्च कर रहा है, एज इट इज़ मोबाइल की तरह आपको यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई को कनेक्ट करते ही ओला स्कूटर के अंदर एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके मोबाइल के थ्रू होगा। ये बेसिकली ओला के टेक्नीशियन इसलिए करते हैं कि आपका जो अपडेट है वो आसानी से बहुत ही कम समय में हो जाए। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद में आपको सिंपल सा बैक आ जाना है, ऐप एंड नोटिफिकेशन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक मोड पे क्लिक करना है और ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप वहीं पर पहुँच जाएंगे जब पहली बार आप लॉग इन कर लेते हैं QR कोड को स्कैन करके पिन डाल के, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और वाईफाई के थ्रू आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी सेटिंग यूज़ कर पाएंगे, जो देख सकते हैं आप इसमें जो वाईफाई कॉल की जो सेटिंग है उनको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल बाय डिटेल। और यहाँ पर आप इसमें डिस्प्ले में जाके थीम भी चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले की सेटिंग में। फिलहाल ये फैसिलिटी ओला टीम के पास ही है, ओला के जो एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन आते हैं वही इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि MOVOS 2.0 बीटा वर्जन अपडेट आया है उसमें ये फंक्शन ओपन नहीं होते फिलहाल, और अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मिल सकता है। ये अभी क्लियरली नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ये फीचर आपको भी मिल जाए, आप इसमें पूरा एक्सेस कर पाए। लेकिन हो सके जहाँ तक इसको लॉक ही रखा जाएगा, क्योंकि ओला के टेक्नीशियन ही इसको यूज़ कर पाएंगे। वाईफाई हॉटस्पॉट का सेटिंग का जो ऑप्शन है आपको ऐप के थ्रू ही दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी काम की रही है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है।